अंग्रेजी नूतन वर्ष के अवसर पर अधोरी खोड़ी पाकर पुल निर्माण संघर्ष समिति के संघर्षकर्ताओं ने पुल निर्माण की दिशा में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने विधायक समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हो रहे सहयोग की सराहना करते हुए प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल पर एकत्रित होकर अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए अवगत कराया कि अगर पुल निर्माण अधर में लटका तो सत्ता के लिए नुकसान का सबब साबित होगा और निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है तो निश्चित रूप से सत्ता सीन का ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा। ये सीमा की समाप्ति थी, जो घर की समाप्ति थी, राजा का तो पूरा सीमा घर होता है, तो वहाँ पे खोइछा दिया गया, तो इस जगह का नाम खोइछा पाकर है। ये खोड़ी पाकर नहीं है, खोइछा पाकर है। कालांतर में क्योंकि ये जो बागमती है ना, ये आप पहले काल में देखिए वेदमती, व्याघ्रमती और इस नाम से जानी जाती है, यह बह गया वो पाकर और आज एक खोड़ी पाकर हो गया, जबकि सही में खोइछा पाकर है। अच्छा, एक बात और बताए, इस पुल पर सांसद और विधायक का क्या काम है? सवाल यह है कि आज चुनाव का समय आ रहा है, विधायक प्रयास कर रहा है, हम कहते हैं उसका प्रयास भलीभूत हो, फलीभूत हो, उससे हमारे तीन पीढ़ियों का सपना पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से जो इस काम को कराएगा उसको राजनीतिक बेनिफिट तो मिलना ही है। इस जगह के लोग, इस क्षेत्र के लोग तो उसको एक अवतार का दर्जा देंगे, एक नेता से आगे बढ़ के। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार तो हम लोगों ने पैटर्न बना लिया है कि अगर जो ये पुल का काम कराएगा, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, उसके चुनाव में तो प्रशासन को भी हम लोग यही कहेंगे कि भाई जब तक जनता अगर कुछ करना चाहती है सक्षम दिशा में, तो आपको डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार तो है नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि इस बार तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, ना जाति देखेंगे, ना पार्टी देखेंगे, ना धर्म देखेंगे। जी, जी, जी। जो पुल कराएगा उसको तो पूरा एकदम ट्रक से भर भर के। जी, आपका कहना है कि जो पुल की बात करेंगे हम उसके साथ हैं। यहाँ पे पचपकड़ी जो मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर है, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है, पिपराही होते हुए 27 किलोमीटर पड़ता है, 27 किलोमीटर। हम 27 किलोमीटर जाते हैं, वो अगर पुल बन जाए तो मैं 3 किलोमीटर पार करके औदौरी आ सकते हैं। वो मुझे इनका कहना है कि अगर इस पुल से जाते हैं तो मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है, अगर दूसरे रास्ते से जाते हैं तो 27 किलोमीटर पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि यह पुल कितना महत्व है। बहुत कुछ कहना है इस पुल मुद्दे पर, बहुत महत्व है। देखिए, दिशा 4 दिया जाता है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और हम लोगों के लिए जो पश्चिम दिशा है वो बिल्कुल बंद है, बहुत महत्व है। तो हम यही मांग करते हैं कि हम लोग को 4 दिशा दिया जाए, हम लोग को जो पश्चिम दिशा मिला हुआ है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, बस यही मेरा मांग है। ठीक है, नमस्कार, मैं हरशंकर जायसवाल, कैमरा मैन नवीन सिंह के साथ टुडे 20।